मेहंदी है मैदान में, तैयारी कौन करता? राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज है तो तैयारी कौन करेगा? कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर को तो बोलना ही नहीं आता, उसको तो यही नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है। वो एक हमारे समाज का चंद्रशेखर आजाद है, उसको बोलते मैं तो उसे जानता ही नहीं। जिस आदमी का टाइम मैगजीन में नाम आया हो उस आदमी को कहते हैं कि वो मैं तो जानता ही नहीं। और पहली बात तो मैं आपसे ये हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, आप कहो तो मैं आपके पैर भी पकड़ दूं कि यार ये संवैधानिक शब्द नहीं है दलित, बार बार इस शब्द को मत बोला करो दलित, मेरे मुंह पे थप्पड़ लगता है, मेरी साली आत्मा पे थप्पड़ लगता है। ये साला हरिजन शब्द, ये साला दलित शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है। कैसे हटाएंगे? क्या तुम लोग ऐसे बोलोगे, पत्रकार लोग ऐसे बोलेंगे तो भैया हम लोग क्या नहीं बोलेगा? ये दलित शब्द मत बोलो, हाथ जोड़ो मैं आपके। तो कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? हटाओ ना, सबको चिंता है, कहां एक झूठी हस्ती अलग है। इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस समय क्या क्यों है? मेरे दो स्कूल है, मेरे दो स्कूल चल रहे हैं, मैं अपने 200 बच्चों को छोड़ के यहाँ पे खड़ा हूँ। किस लिए खड़ा हूँ? समाज के लिए खड़ा हूँ ना, कोई मुझे कोई पैसा छोड़ने मिल रहा है यहाँ से? या कोई जिसके यहाँ पे मैं उसको मुझे पैसा नहीं दे रहा कोई भी? मैं खड़ा हूँ समाज के लिए। देखो उत्तर प्रदेश में तो पूरा इस समय गुंडा राज जिसे कहते हैं ना, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, इनके लिए समझो ये कुटारा घात है पूरी सरकार। इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, एससी एसटी ओबीसी कुछ नहीं बनेगा। फिर भी संविधान बदल दिया जा रहा है सर। किसने कह दिया, किस आदमी का आपने संविधान? मैं एक मिनट, एक मिनट, हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात, ध्यान से सुनना। मेरे पापा ने मुझे एक पुस्तक दी या मेरे पापा ने मुझे एक लोटा दिया, मेरा पड़ोसी उसे छीनने लगा, उसकी औकात है तो छीन लेगा? वो मेरे बाप की दी हुई चीज है, मेरे बाप की दी हुई चीज को कैसे छीन लेगा? 2 अप्रैल 2018 में इन्होंने आरक्षण छीनने की कोशिश करी, छीन लिया। से देख रहे हैं सर, बीएसपी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव 2024 में। बीएसपी का ऐलान करना, पहली बात तो ये एक हास्यपद स्थिति है कि अगर बीएसपी अकेले इलेक्शन लड़ती तो वो मुलायम सिंह या सपा के साथ में गठबंधन करके कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ती। तो बीएसपी कभी भी अकेले इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती, ना उसका एजेंडा है और ना उसकी कोई नियति है और ना उसका कोई परोक्ष तरह से कोई विचार है। तैयारी नहीं देख रहे उनकी? तैयारी को क्या तैयारी है बताओ? लखनऊ मीटिंग चल रही है, बहन जी है मैदान में, तैयारी कौन करता? राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज है तो तैयारी कौन करेगा? कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर को तो बोलना ही नहीं आता, उसको तो यही नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है। वो एक हमारे समाज का चंद्रशेखर आजाद है, उसको बोलते मैं तो उसे जानता ही नहीं। जिस आदमी का टाइम मैगजीन में नाम आया हो उस आदमी को कहते हैं कि वो मैं तो जानता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं समाज का बिखराव है ना, समाज के साथ एक तरह से अभद्रता की जा रही है ना। तुम इसी समाज के हो तो तुम समाज के आदमी को नहीं जानते कि वो समाज का कौन आदमी है, चंद्रशेखर कौन आदमी है? चंद्रशेखर ने किया है ना, क्या 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 कार्यक्रम बताइए? नई पार्टी बना ली बीएसपी, जब एक बार बताइए, इस देश के अंदर 1,00,000 संगठन चल रहे हैं, पूरे 1,00,000 संगठन चल रहे हैं। वो किसके नाम पर चल रहे हैं? जय भीम के नाम पर है। तो वो क्या इसके देश को तोड़ रहे हैं? अलग अलग संगठन बन गया, एजेंडा सबका एक ही है, मकसद सबका एक ही है। यही तो वजह है, सबका मकसद एक ही है कि समाज को जोड़ना, समाज के बारे में विचार रखना और समाज को ऊपर ले आना। यही तो वजह है बहुजनों की, ये संगठनों में बटे हुए हैं, एक मंच पर नहीं आते, सत्ता में कैसे? आप बहुजन का संगठन लेके आप चल रहे हो, आरएसएस संगठन क्या है? वो भी संगठन है ना, उसके कितने वो है इसके गुट, कितने गुट है? वो तो कभी नहीं कहते इस बात को, वो तो अपने गुट चलाते हैं। वो कभी नहीं कहते कि भाई विश्वबंधु प्रसाद अलग है या आपका बजरंग दल अलग है या और कोई अला फला गठबंधन अलग है, सारा एक ही अलग एजेंडा क्या है सबका, क्या है? हिंदुत्व, बस ऐसे हमारा एजेंडा होना चाहिए। नहीं, मतलब बीएसपी प्रमुख ने तर्क दिया कि हमारे वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके वोट हमारी तरफ आते ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही करी है वो, ये तो बिल्कुल बहन जी बिल्कुल सही करी है, गलत नहीं करी वो, कहीं भी इस बात को गलत नहीं करी। वरना आप कितने भी गठबंधन उनके देख लो, चाहे वो कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा हो, चाहे सपा के साथ गठबंधन रहा हो, चाहे वो आपका लोकदल के साथ गठबंधन रहा हो, ये हकीकत है कि बहुजन के जो मतलब जो बहन जी के जो वोटर है वो तो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उनका वोटर इधर नहीं आता। तो 14 में 0 से फिर 19 में 10 कैसे पहुंच गई थी? वो अपने उनका वो है, अपना मेहनत है उनकी, उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना कार्य है, उनकी अपनी नीति है, उनका अपना किया हुआ वो पास्ट में किया हुआ काम है, उनका बहन जी का पास्ट में किया हुआ काम है, तभी तो वो आई उसमें। 2007 चुनाव को छोड़ दीजिए, बाकी सारे सरकार जितनी बनी सब गठबंधन से ही बनी ना फिर? हाँ बिल्कुल बनी। फिर ये बात कैसे कह सकते हैं कि गठबंधन का फायदा नहीं होता? नहीं, गठबंधन का फायदा नहीं, ये तो आपने कहा ना, मैंने कहा, ये तो आपने कहा कि वो वोट ट्रांसफर होने में दिक्कत आती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप भी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा।
तो क्या देख रहे हैं 2024 में दलित किसके साथ है, चंद्रशेखर के साथ है या बीएसपी के साथ है? दलित किसी के साथ नहीं है, दलित बहुजनों के साथ है। और पहली बात तो मैं आपसे ये हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, आप कहो तो मैं आपके पैर भी पकड़ दूं कि यार ये संवैधानिक शब्द नहीं है दलित, बार बार इस शब्द को मत बोला करो दलित, मेरे मुंह पे थप्पड़ लगता है, मेरी साली आत्मा पे थप्पड़ लगता है, ये साला हरिजन शब्द, ये साला दलित शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है। कैसे हटाएंगे यार, तुम लोग ऐसे बोलोगे, पत्रकार लोग ऐसे बोलेंगे तो भैया हम लोग क्या नहीं बोलेगा, ये दलित शब्द मत बोलो, हाथ जोड़ो मैं आपके। तो कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, पूरा देश बोल रहा है। हटाओ, हम लगे हुए, आप हटाओ, आप बोलो मत, हिंदुस्तान मत बोलो, दलित मत बोलो, संविधान के अंदर भारत का गणराज्य है, भारत का राजपत्र है, उसमें अनुसूचित जाति बोलो, उसमें जाटव बोलो, उसमें कोरी बोलो, उसमें पासी बोलो, उसमें धोबी बोलो, दलित मत बोलो, जैसे वो बोलते ना हिंदू, उसमें सारे आ रहे, लेकिन दलित मत बोलो, नाम लेके बोलो, अनुसूचित जाति तो संवैधानिक शब्द है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट ये है संवैधानिक शब्द, दलित संवैधानिक शब्द नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में अखबारों में दलित ही दलित चलता है, कैसे देखो? वो तो आप लोगों का, ये तो आप लोगों का कमी है ना, ये आप लोगों की कमी है, आप लोग इसका कटाक्ष क्यों नहीं करते हो? आप जब यहाँ पे खड़े होकर मुझसे दलित 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 कर रहे हो तो मैं तो खुद ही मर गया, दरिद्र हो गया, मैं तो खुद ही दलित हो गया, दरिद्र हो गया, मैं दलित हूँ कहाँ, आपने मुझे बना दिया दलित, मैं तो दलित नहीं हूँ, आपने बना दिया। और दलित का शब्द का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है दलित, डिलीट, दलित का शाब्दिक अर्थ जो होता है डिलीट, और डिलीट का मतलब आप जानते हो, डिलीट का मतलब होता है सफा, मिटा हुआ, मिटा हुआ। कितनी मजबूत दिख रही है 2024 के लिए बहुजन पार्टियां जितनी है, भाई सारे एकजुट है, सब एकजुट है, कोई अपने कोई भी प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, सबको चिंता है, कहां एकजुट है, बीएसपी अलग है। इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस समय यहाँ क्यों है, मेरे दो स्कूल है, मेरे दो स्कूल चल रहे हैं, मैं अपने 200 बच्चों को छोड़ के यहाँ पे खड़ा हूँ, किस लिए खड़ा हूँ, समाज के लिए खड़ा हूँ ना, कोई मुझे कोई पैसा छोड़ना मिल रहा है यहाँ से, या कोई जिसके यहाँ पे मैं हूँ उसको मुझे पैसा नहीं दे रहा कोई भी, मैं खड़ा हूँ समाज के लिए, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, मैं गाजियाबाद से आया हूँ भाई, मोटरसाइकिल आया हूँ, मेरी कार खराब होगी मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ, मैं समाज के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ ना कि अपने लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं अपने लिए खड़ा होता अपने स्कूल में होता, 200 बच्चे देख रहा होता। सर 2024 में फिर किसको आप ला रहे हो? 2024 में बहुजन आएंगे, बहुजन की सरकार आएगी, जो कोई भी आए, बहुजन तो हजारों में बिखरा हुआ, कैसे आएगा बहुजन फिर, हजारों में कहाँ बिखरा हुआ है, सब इकट्ठे होने के लिए तो खड़े हैं, ये जितने भी सारे बहुजन ही तो है, ये सब जितने भी खड़े हैं, ये सब बहुजन ही तो है, ये बहुत सारा टाइम ये इकट्ठे ही तो है, सब इतने बहुजन है फिर भी संविधान बदल दिया जा रहा है। सर किसने कह दिया, किस आदमी का आपने संविधान, मैं आपको एक बात छोटी सी बात, ध्यान से सुनना, मेरे पापा ने मुझे एक पुस्तक दी या मेरे पापा ने मुझे एक लोटा दिया, मेरा पड़ोसी उसे छीनने लगा, उसकी औकात है जो छीन लेगा, वो मेरा बाप की दी हुई चीज है, मेरे बाप की दी हुई चीज को कैसे छीन लेगा? 2 अप्रैल 2018 में इन्होंने आरक्षण छीनने की कोशिश करी, छीन लिया, कितने बच्चे मरे हमारे, आपको पता कितने बच्चे मरे, मेरे पिछवाड़े में लाठी लगी, छीन लिया आरक्षण इन्होंने, नहीं छीन पाए ना, तो 24 में सिर्फ बोलेंगे, बोलते रहेंगे, संविधान इन्होंने नया संसद बनाया है, उस नए संसद की वजह से ये लोग दिखा रहे हैं कि अभी हम संविधान भी चेंज करेंगे, क्या ये सिगु बात छोड़ने दो ना, दुनिया छोड़ती है, आप लोग क्यों टेंशन ले गए, हम है ना भी मरने के लिए पैदा है ना, भी इनके बच्चे हैं पैदा, नए संसद में सहगोल स्थापित कर दिया, कहाँ थे आप, नए संसद में सहगोल स्थापित, घुसने दो ना, घुसने तो दो, शासन प्रशासन तो तुम्हारा है, शासन प्रशासन तो तुम्हारा है, हमें घुसने तो दो, हम तो रोक लेंगे, जब शासन प्रशासन ने वहां रोक दिया हमें, तो हम जब से लड़के अंदर आ जाएंगे, आप जानते हैं 2 अप्रैल के बाद कितनी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई हैं और जलाई गई हैं, तोड़ी गई है मैं मान रहा हूँ, तो उनको ये तो देखो कि वो निरक्षक लोग क्या कर रहे हैं, वो निरक्षक लोग कर क्या रहे हैं, ये तो देख लो, मणिपुर में खुले चौराहे पे और आदिवासियों को नहीं देखे, ये कौन सी औरत थी बताओ, कौन सी औरत है, उनका उनके हस्बैंड खुद पुलिस अधिकारी थे, उनके खुद हस्बैंड पुलिस अधिकारी थे, जिनकी वाइफ को नंगा करा गया है, आपको पता है ना, पता तो होगा, ये अभी उत्तर प्रदेश में कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया, अतीक को गुंडा राज यानी खुलेआम में गोली मार दिया जाता है, औरतों को नंगे घुमाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में अभी, ये देखो उत्तर प्रदेश में तो पूरा इस समय गुंडा राज जिसे कहते हैं ना, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, SC ST OBC माइनोरिटीज इनके लिए समझो ये कुठारा घात है पूरी सरकार, इसमें कुछ भी नहीं बन पेगा, SC ST OBC कुछ नहीं बन पेगा, इसको सिर्फ परेशान करा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके हक अधिकार छीने जा रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में अभी कह रहे हो एसटी ओबीसी है सब भी यानी बहुजन हो रहे हैं तो फिर इकट्ठा कैसे होंगे जब ये यानी हर जातियों में बैठ जाएंगे तो एससी एससी होगा ओबीसी ओबीसी होगा माइनॉरिटी होगा तो फिर इकट्ठा कहां बहुजन होंगे इनका साफ वो क्या है इनका मतलब क्या है गठ क्या है गठ तो यही है ना बहुजन जितने भी एसटी एससी ओबीसी जितने भी हैं तो बहुजन है ना इकट्ठा तो इन होगा प्लेटफॉर्म तो इन आना पड़ेगा क्योंकि जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं जो इनके ऊपर एलिगेंस लग रहे हैं इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर तो आना पड़ेगा यह तो हकीकत है। चलो शुक्रिया ना।